हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ ही वो आइडेंटिटीज भी रिवाइज करते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है एक्सरसाइज 1 का, तो इसमें आपको बोला गया है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है बेटा साइन स्क्वायर 2x+5। ओके बेटा, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले आप इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है बेटा, अब आप देखिए आपके पास cos 2x मतलब 2θ ले लीजिए आप। ठीक है, cos 2θ का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास 3 टाइप के फॉर्मूले हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो साइन वाला 1-2 sin² θ, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आपको ये sin² θ इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, 2 sin² θ = 1। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, -cos 2θ। ठीक है, तो अब हमारे पास sin² θ चाहिए आपको, 1-cos 2θ अपॉन में ये आ गया आपका माइनस। ओके बेटा, सॉरी माइनस तो नहीं आएगा ना यहाँ पे, ये आ जाएगा। ओके, ये आपका क्या बन गया, इस फॉर्म को आप क्या करेंगे, इसमें ये वाली फॉर्म को इधर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास sin² अब सॉरी ये क्या लिख रही हूँ मैं, तो आपके पास आ जाएगा 1। इसी फंक्शन को आप लिखेंगे 1-cos 2। अब थीटा आपके पास क्या है, 2x+5 अपॉन में बेटा आपके पास 2 है। ठीक है, तो होल फंक्शन के साथ आपके पास dx है। ओके बेटा, तो चलिए अब आप क्या करेंगे, अब ये 1/2, ठीक है, dx, तो इसी 1/2 को आप क्या करेंगे बाहर लिख सकते हैं, तो 1/2 dx। ओके बेटा, माइनस 1/2 इसके साथ भी आएगा, 1/2 cos, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x+10 dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 dx, 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आप 1, तो ये आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास cos का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin, क्या आ जाएगा sin थीटा, इसका क्या चल रहा है 4x+10। ठीक है, अब इसका भी इंटीग्रेशन आएगा 4x+10 का, वो आ जाएगा आपके पास 4, तो 4 को नीचे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस आ जाएगा c, तो ये आ जाएगा x/2 - sin 4x+10 / 8+c। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके पास। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया दिस वन। ठीक है, चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है sin 3x cos 4x, ये आपके पास। अब आप पहले तो फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे कौन सा लगेगा, आपके पास फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक में था 2sin a cos b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास था sin का पॉजिटिव में, तो sin a + b + sin a - b। ठीक है, ये वाला आपके पास साइन वाला फॉर्मूला था पॉजिटिव में। ओके बच्चे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन में 2 नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन, इसी फंक्शन को इस तरह से लिखेंगे आप 3x cos 4x। अब ये 2 जो है 1/2 हो जाएगा, अब साइन, अब ये 3x और 4x क्या बन जाएगा आपके पास 7x + sin, अब 3x - 4x क्या आ जाएगा -x। ठीक है, इसी को आप करेंगे 1/2 sin 7x + अब बेटा sin - x फोर्थ क्वाड्रेंट में गया माइनस, तो क्या होता है -sin x, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा sin x, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे ये वाली जो टर्म आपके पास आई है फंक्शन में डाल देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, तो 1/2 sin 7x, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना, 1/2
साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास कॉस माइनस का सेवन एक्स अपॉन में सेवन टू जा फोर्टीन माइनस माइनस प्लस, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, है ना, कॉस एक्स तो टू और प्लस सी। तो आप इसको क्या करेंगे कॉस एक्स को आगे कर देंगे पॉजिटिव टर्म को और इसको पीछे कर देंगे कॉस सेवन एक्स अपॉन में फोर्टीन प्लस सी, ठीक है। हमने क्या किया पहले फंक्शन को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें क्या करना था इसको फॉर्मूला लगाना था। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इसके इक्वल, ठीक है, हमें साइन ए कॉस बी, ठीक है, टू साइन ए कॉस बी जो है ये हमारा फॉर्मूला है। ओके बेटा, हमने क्या किया फंक्शन हमें ये दिया था टू नहीं दिया था, तो टू हम क्या करेंगे वन बाय टू इस साइड लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से फंक्शन, तो आप फिर इसकी इंटीग्रेशन लगा के तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का ये, ठीक है। ओके बेटा चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री आप करेंगे तो आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे। फॉर्मूले हम साथ साथ ही राइट करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ ही, ठीक है, क्योंकि फिर आपको याद भी रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक बेटा चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको बोला गया है कॉस टू एक्स कॉस फोर एक्स और कॉस सिक्स एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, इन दोनों में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कॉस वाला जो फॉर्मूला वो देखिए क्या है, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू, तो हमारे पास कॉस वाला है तो पॉजिटिव में आता है, यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। बट हमारे पास यहाँ देख रहे हैं फंक्शन में टू नहीं है, तो आप क्या करेंगे कॉस वैल्यू डाल देंगे टू एक्स cos 4x is equal to 1 by 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos, अब ये आप देख रहे हैं 2x और 4x क्या बन जाएगा 6x plus cos, अब 2x में से 4x करेंगे तो क्या आ जाएगा minus 2x, क्या आएगा minus 2x। तो बच्चे आपको याद है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो आपका माइनस क्या हो जाएगा ये फंक्शन फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो आप इसको सीधा लिख लेंगे 2x, ओके? तो ये आ गया आपके पास इन दोनों के लिए ये वैल्यू, तो आप करेंगे इंटीग्रेशन लगाएंगे हमारे पास आ जाएगा 1 by 2, ठीक है, ये आ गया 1 by 2, अब आ गया आपके पास cos 6x plus cos 2x, ओके? अब आपका ये जो फंक्शन है साथ में cos 6x ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके? साथ में आप लगा लेंगे dx, अब 1 by 2 सबके साथ आएगा आपके पास, तो चलिए हमारे पास हो जाएगा 1 by 2, आप बाहर रखेंगे जहाँ साथ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 by 2 आ जाएगा cos 6x और ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई तो cos square हो जाएगा cos square 6x, ठीक है, प्लस अब 1 by 2 साथ में ले लीजिए हमारे पास आ जाएगा cos 2x और ये cos 6x और dx, अगेन आपके पास ये फंक्शन इस तरह से बन गया, तो आप अगेन इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी आपका फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है कॉस वाली वो लगे कॉस टू थीटा वाली, तो चलिए अप्लाई करेंगे इसके लिए आप क्या करें कॉस टू थीटा क्या होता है बेटा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म लानी है आपको तो ये तो आपके पास आ जाएगा कॉस टू थीटा प्लस वन, ठीक है, ये मान इधर आ गया, अब आपके पास है cos स्क्वायर थीटा, अब बच्चे यहाँ पे 2 भी है तो ये वाला 2 आ जाएगा नीचे, ओके, ये वाला 2 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ओके, ये बन गई ये वाली फॉर्म, तो ये फॉर्म यहाँ अप्लाई हो गया, करेंगे आप 1 by 2 इंटीग्रेशन लग रहा है cos 2, अब थीटा क्या चल रहा है यहाँ पे 6x, अब यहाँ पे बच्चे यहाँ पे 2 थीटा होता है यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मतलब कि जो 6 है वो आपका एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं समझ आया चलो मैं बताती हूँ,
यहाँ पे टू थीटा है ना आपके पास, यहाँ पे एंगल क्या होता है डिवाइड होता है टू से, ओके। तो आपका मैं ये फंक्शन बना के बताती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉस 12 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस हियर 6 थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 6 थीटा, ठीक है। अब क्लियर है आपको क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो एंगल था वो आपके पास आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा x, अब क्लियर है ना, ये आ जाएगा इसके प्लेस पे आपके पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है ये वाली, ओके। तो यहाँ पुट करेंगे आप तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 आपका, ये रफ वर्क होता है, ये मैं बीच में एक्सप्लेन कर रही हूँ बट आपने नहीं लिखना ये। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos 12x, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 1/2, तो होल फंक्शन के साथ आ जाएगा dx प्लस इसके लिए आ जाएगा आपके पास 1/2। अब ये वाला बेटा ये हम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा बोलिए, अगेन 1/2 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos 2x और 6x कितना हो गया 8x प्लस फिर आ जाएगा 2x में से 6x किया तो 4x, तो cos 4x नेगेटिव का आएगा बट फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव, ठीक है, ये आपके आपकी वैल्यू, ठीक है। इस साइड वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, चलिए ये मैं रख कर यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे 1/2 cos 12x का क्या आएगा sin 12x, तो ये आ जाएगा 1/2 sin 12x अपॉन में 2 भी है इसका, ठीक है, 2 और 12 कितना हो जाएगा 2 12 24, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे हमारे पास 1/2 है और ये भी 1/2 है, तो 1/2 1/2 1/4 और ऊपर क्या आ जाएगा x, x upon 4 आ जाएगा आपका, ओके। चलिए अब यहाँ पे इस साइड देख लीजिए 1/2 और 2 क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 cos 8x का क्या आ जाएगा प्लस sin 8x upon में 4 4 8 32 32 आ जाएगा, ठीक है, प्लस cos 4x है तो क्या आ जाएगा sin 4x, नीचे 4 चल रहा है 2 2 4 4 4 16 प्लस, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास सब में 4 कॉमन है, अगर हम इसको प्लस कर लें तो क्या आ जाएगा 48, ठीक है, सब में देख रहे हैं 4 कॉमन है तो 4 कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे कितना है 4, तो साइन 12x 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4 12, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पे साइन 8x 4 से 4 4 1 4 and 4 3, तो मतलब कितना है यहाँ पे 32 8 से हो गया, ठीक है, 8 4 32 और प्लस साइन 4x, अब 16 है यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस x, ओके, 4 होल टर्म के साथ हमारा 1/4 मल्टीप्लाई हो गया तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया थर्ड वाला, तो आंसर एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटे क्वेश्चन इजी है बट लेंथी है थोड़ा सा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला जो cos वाला 2 बार अप्लाई हुआ है वो आपने नोट करना है, ठीक है, एक बार तो हमारा cos लगा था, फिर आपका फंक्शन जो ये वाला था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है बेटा, और यहाँ पे अगेन आपका cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा था, उसको आपने सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाली थी cos 6 थीटा की, तो आपके पास ये आएगी, ओके बेटे, वो आपने लगाई, फिर आपके पास अगेन यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा, ओके, 1/2 तो हमारा बाहर का ही चल रहा था बट इसका फॉर्मूले वाला फिर से आएगा ये, ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे अभी आप, क्वेश्चन नंबर 4 वो दिया गया है साइन क्यूब 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब बच्चे आप
क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है, a का साइन 2x प्लस 1, ओके। फिर आपकी जो आइडेंटिटी है बेटा कौन सी वाली, वही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है, ये तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी आप साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, तो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 1, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, होल टर्म के साथ साइन जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 2x प्लस 1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर हम कॉस को पुट करते हैं t, सब्स्टिट्यूशन भी अब आप लगाएंगे यहाँ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस होल को फंक्शन में रख लेंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन की फॉर्म, ठीक है, तो आप करेंगे पुट कॉस टू, सॉरी ओनली कॉस को ही करते हैं आप, ठीक है, कॉस को करेंगे कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1, अब बच्चे 2x प्लस 1 का भी आएगा तो ये माइनस 2 आ गया, dx इज इक्वल टू dt, अब बच्चे यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन 2x dx है तो माइनस 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आप नोट कर लीजिए स्टेप, ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे हमारा माइनस 1, तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय 2, अब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पे आपने पुट करना है टी का स्क्वायर, ओके, तो ये वाली होल टर्म क्या होगी आपके पास डी टी, ठीक है, क्लियर है, चलो अब आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाय 2, अब 1 का क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है, फंक्शन को पहले सेपरेट कर लीजिए, डी टी माइनस 1 बाय 2 टी स्क्वायर प्लस, प्लस तो अभी कुछ नहीं आएगा, अभी डी टी आएगा, ठीक है, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे आ जाएगा एक्स अपॉन, सॉरी डी टी है ना यहाँ पे, तो क्या आएगा टी अपॉन, क्या आएगा टी माइनस का, अब माइनस भूल गए आप, माइनस आएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस क्या आएगा माइनस टी अपॉन 2, ओके, फिर प्लस 1 बाय 2, अब टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा टी का क्यूब अपॉन में 3, तो 3 2 का क्या आ जाएगा ये 6, तो ये आ जाएगा आपका 6 प्लस सी, अब टी की वैल्यू पुट करेंगे इस साइड की जगह इस साइड आ जाते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऊपर हमने पुट करी है कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस का, फिर प्लस कॉस 2x प्लस 1 का क्या है यहाँ पे क्यूब अपॉन में 6 प्लस सी, ठीक है, और ये आप पॉजिटिव वैल्यू आगे लिखेंगे आप नेगेटिव वैल्यू पीछे, ठीक है बेटा, तो ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, ओके बेटा, ये आपका आंसर है, ठीक है, आप करने को इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है उससे भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, बट एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया है वो ये दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए हम इस तरह से करेंगे इसको, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर अभी आप करेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप इसको नोट कर लीजिए 4 को, ठीक है, आप पॉजिटिव टर्म आगे लिखेंगे नेगेटिव टर्म पीछे लिखेंगे, ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे बेटा, अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला गया है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स ये दिया गया है, ठीक है, अगेन बेटा वही है कि आपके पास अगर आप साइन 3 थीटा
और cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा के आप उनकी वैल्यू निकाल के वो भी कर सकते हैं, बट वो लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं, कैसे देखिए हमारे पास, इसको पहले आप फंक्शन को राइट कर लीजिए इंटीग्रेशन की फॉर्म में, ठीक है, तो ये आ जाएगा dx। अब बच्चे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइन x और दूसरा आप करेंगे साइन को, तो साइन मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर x, ओके बेटा, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप देखते हैं cos क्यूब x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने अभी बताया आपको, ये वाली, यहाँ से आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास साइन x 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा फिर cos क्यूब x, ठीक है, तो dx, ओके बच्चे। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, इतना क्वेश्चन तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी, बट आगे आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आप करेंगे cos x को पुट करेंगे t, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब sin x की वैल्यू, sin x और dx, ठीक है, इसकी वैल्यू डाल देंगे माइनस dt, माइनस dt, और यहाँ पे आप 1 माइनस t का स्क्वायर और ये t का क्यूब, तो ये आ जाएगा dt, ठीक है। अपॉन में बेटा कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं आएगा आपके पास। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, t का क्यूब हो जाएगा माइनस t का बेस सेम पावर ऐड, ठीक है, तो फंक्शन को भी सेपरेट कर लीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा dt माइनस t का 5 dt, ठीक है, तो ये माइनस इसका भी था ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ओके, तो माइनस t का 4 अपॉन में 4 प्लस t का 6 अपॉन में 6 प्लस c, तो ये आ जाएगा माइनस। अब t जो 6 पॉजिटिव है ये वाला आगे कर लेंगे, हमारे पास cos क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x का 6 माइनस cos स्क्वायर 4, सॉरी गलत लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे 4 प्लस c, तो दिस वन इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर आ गया आपका। चलिए ओके, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, चलिए, थैंक यू।